हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 16-17 दिसंबर को लगभग तय ही माना जा रहा है, ठीक है। तो इसका जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है एग्जाम कैलेंडर के बारे में, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द, मतलब आज तो सैटरडे हो गया ना, अब मान के चलिए अगले सप्ताह आपको कैलेंडर, आपका एग्जाम कैलेंडर आने वाला है, ठीक है। और बहुत जल्द आपको देखने को मिल रहा है, और एग्जाम डेट भी 16-17 दिसंबर को देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग ज़्यादा डिले मत कीजिए, ठीक है। एग्जाम कैलेंडर का इंतजार मत कीजिए, आप लोग रूटीन एक बना लीजिए 60 दिनों का जबरदस्त वाला रूटीन जो होता है ना, एकदम फुल एंड फाइनल जो जिसको बोला जाता है, इस बार आखिरी बार इस टाइप का रूटीन जरूर आप लोग बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों, बात ऐसा है ना कि आप लोग बहुत सारे छात्र की इंतजार कर रहे, जब एग्जाम डेट एक बार आ जाएगा तो हम फिर से लगेंगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप 60 दिन का रूटीन बनाइए और इसी को मान के चलिए, आपका एग्जाम इसी दिन में होने वाला है, ठीक है। वरना दोस्तों आप बहुत तैयारी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, यदि नहीं आप नहीं कर रहे होंगे तो दूसरा को कर रहा होगा, वो अपना सिलेक्शन लेकर चला जाएगा और आप देखते रह जाइएगा, ठीक है ना। हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में बात कर लेंगे कैसे करना है, और हम पेपर वन का भी बात करेंगे, वो भी हम लोग कुछ दिन में करवाएंगे, ग्रामर के साथ वगैरह सब कोशिश करेंगे करने के लिए, ठीक है। सेलेक्टेड पार्ट करेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड आपको काम आ जाए, बस पास कर जाएँ किस तरह करके, ठीक है। 60 में से आराम से 35-40 आराम से आ जाएगा, और आ भी जाएगा, देखिएगा ना, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किए होंगे तो। और चलिए बात करते हैं। पहले बात दोस्तों, जितने भी सीजीएल का स्टूडेंट है, नेगेटिव कमेंट से दूर रहिएगा अभी, ठीक है। अभी बहुत हल्ला मार्केट में चला हुआ है कि पेपर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। देखिए दोस्तों, कमेंट में तो लोग काफ़ी चिल्लाते हैं कि हम देखे हैं 20 लाख में मिल रहा है पेपर, हम देखे 18 लाख में मिल रहा है। भैया ऐसे चिल्लाने से कोई मतलब नहीं बनता है। यदि आपके पास प्रूफ वगैरह कुछ है तो जाइए चेयरमैन सर से बात कीजिए, चाहिए चेयरमैन सर से बात कीजिए, चेयरमैन सर कार्रवाई करेगा। ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा भाई, मानते हैं आप सही होंगे, मान रहे हैं कि आप बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे, लेकिन उसका प्रूफ होगा तब ना भाई, ऐसे बोल देने से नहीं हो जाएगा, ऐसे कोई मानेगा भी नहीं, और सरकार भी ऐसा नियम बना दिया, ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता भाई, ठीक है। तो ऐसे चिल्लाने से नहीं होगा। बाकी और आप लोगों का बहुत मतलब नेगेटिव कमेंट आ रहा है कि जेई का, जैसे अपने अपना राय दे रहा है कि जेई का एग्जाम कैंसिल करो, ये करो वो करो, आपके कहने से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। उसका बहुत जल्द उसको ज्वाइनिंग रिजल्ट और सब चीज़ मिलने वाला है जेई वाले छात्र के लिए। तो जितने भी छात्र जेई का एग्जाम दे दिए, किसी की बातों में बताइए, उन लोगों को बोलना, जिनका काम है बोलना बोलने दीजिए, कैंसिल एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। जिसको कैंसिल होना था 28 तारीख वाला सिविल ब्रांच, उसका कैंसिल हो चुका है किसी कारण, टेक्निकल वजह से, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एज यूजल जो रूटीन था, जिनका एग्जाम अभी टाइम पर उसका होने वाला है, और जिसका हो चुका है उसका टेंशन फ्री रहिए, ठीक है, इसलिए कैंसिल वगैरह नहीं होगा। चलिए बाकी बात हम सीजीएल का बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, अभी रूटीन जबरदस्त तरीका बनाना पड़ेगा आपको जैसे सीजीएल के लिए, ठीक है। 60 डेज का रूटीन बनाइए और जबरदस्त पढ़ाई कीजिए, एकदम कैसा पढ़ाई कीजिए कि आपको कोई टक्कर में नहीं दे सके एग्जाम के टाइम पर, ठीक है। अब पूरे सब्जेक्ट लेकर चलना है, ठीक है। और समय मिलता है दोस्तों सैटरडे संडे को, तो हिंदी इंग्लिश पहला पेपर भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक तरह से क्या होता है ना कि पास तो कर जाएगा इसमें नो डाउट, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डर बना रहता है मन में, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत करके कर जाइएगा। हालांकि हम शुरू करेंगे कुछ दिन में, एक बार देख लेते हैं इसका नोट्स क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है, और वही सब सिलेक्टेड टॉपिक, मतलब जैसे होते इकोनॉमिक्स का कैसे दिए, सिलेक्टेड टॉपिक आपको यूट्यूब में दिए होंगे शायद, आज ही दिए होंगे शायद 11 बजे, देखिए कहते हैं सिलेक्टेड छाँट छाँट कर लिख के दिए आपको, ठीक है। वैसे ही आपको हिंदी ग्रामर का, हिंदी का भी पोर्शन दे देंगे पेपर वन के लिए सिर्फ, ताकि आपको पास करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और कुछ कुछ इंग्लिश का भी करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए उसका, ठीक है। और क्वेश्चन जो है जेएसएससी का जितना भी आया क्वेश्चन ग्रामर कराने के बाद क्वेश्चन भी करवा देंगे, अभी नहीं करवाएंगे क्वेश्चन, एग्जाम डेट आ जाएगा उसके बाद एग्जाम से ठीक 1 महीना पहले हम वो चीज़ करवा देंगे आपको, जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है जेएसएससी में, जी हाँ दोस्तों, सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे आपको। लगभग दोस्तों देखिएगा कितना, एक सीट में 40-50 क्वेश्चन जितना भी आ जाएगा, मेरे पास जितना भी है पढ़ा सब हिंदी के क्वेश्चन रखे हुए, सब आपको करवा देंगे यूट्यूब पर। उससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम दीजिएगा पहला पेपर के लिए। दूसरी बात कि टेस्ट सीरीज, देखिए दोस्तों जिनका तैयारी लगभग हो चुका है, मैक्सिमम को हो ही गया तैयारी, ठीक है, अब आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है कोई बात नहीं, उन हम तो बोलेंगे दोस्तों किसी को एक टेस्ट आप ले ही लीजिए, ठीक है, और मारना शुरू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा टेस्ट मारिएगा ना उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। अब करना क्या है, टेस्ट सीरीज मारिए, टेस्ट क्वेश्चन लगाइए, उसमें से देखिएगा जो टॉपिक में फंस रहे उस टॉपिक को टेस्ट के बाद एनालिसिस करने के बाद आप क्या कीजिएगा, उस टॉपिक को निकाल के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यदि ऑफलाइन एग्जाम आपका रांची वगैरह रहे तो ऑफलाइन दीजिए, फिर ऑनलाइन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं तो ऑनलाइन दीजिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन देने से मतलब है, ठीक है। ऑफलाइन अभी देने से कोई मतलब नहीं, बस टाइम का बर्बादी और कुछ नहीं, ऑफलाइन एग्जाम देना होगा तो एग्जाम के टाइम जब करवाया जाएगा, मतलब एग्जाम से 10-15 दिन पहले जाकर दे दीजिएगा, तो एज ए प्रैक्टिस हो जाए तक आप, ताकि आपको 2-4 टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी अभी ऑनलाइन ही किसी का ले लीजिए, किसी का भी ले लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जिसके आंसर जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा किया हो उसी का लीजिएगा, ठीक है। और डेली नहीं मतलब सप्ताह में 2-3 बार मारिए, ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि देखिए ऐसे क्या होता है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आप टेस्ट लगाते रहिएगा ना तो आपको मोटिवेशन भी बनेगा, नया नया क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा, ठीक है। कहने क्या मतलब है, हम तो पहले तो मना कर रहे थे बहुत पहले कि टेस्ट अभी नहीं दीजिए एग्जाम के टाइम, लेकिन एग्जाम इतना बढ़ाई दे रहे हैं ना तो आप पढ़ पढ़ के मतलब डिमोटिवेट हो जा रहे हैं आप लोग, ठीक है। इसलिए टेस्ट दीजिएगा तो अच्छा नंबर देखा, तैयारी आपका अच्छा है तो नंबर अच्छा आएगा, तो आपको अपने अपने अंदर से फील होगा कि नहीं अब बढ़िया चल रहा है और अच्छा पढ़ने का भी मन करेगा। और जहाँ लगेगा ना फंस रहे इसको इस टॉपिक में, तो उस टॉपिक को किताब उलट कर देख लीजिएगा फिर एनालिसिस के बाद, ठीक है। उसी तरह पेपर 2 और पेपर 3 दोनों का दीजिए, तब जाकर होगा,
ठीक है, ये सब चीज़ मत, ये सब चीज़ का चक्कर में मत पड़िए कि एग्ज़ाम नहीं होगा, टाल देगा, फिर वैसे ही निकल जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बात बात मानिए ना, एग्ज़ाम आपका 100 का 200% बोलेंगे एग्ज़ाम होगा इस 2000 इस बार, टेंशन कहाँ ले रहे। इसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आपका एग्ज़ाम ज्वाइन होगा, सब चीज़ होगा, ठीक है। डिले होने का कारण यही है दोस्तों, उसको डर कहीं है कि कहीं एग्ज़ाम ले लिए, कहीं किस तरह धांधली दिख जाए तो फिर मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाकी सब होगा, बाकी एग्ज़ाम का क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना एश्योर करा देते हैं जैसे सीजीएल वाले छात्र को कि आपका एग्ज़ाम फेयर होने वाला, टेंशन मत लीजिए, एकदम फेयर तरीका से होगा, नो डाउट। इसमें कोई दो राय इसमें कुछ है ही नहीं आपको, ठीक है। जैसे बस तैयारी कीजिए, अपना गलती मत कीजिएगा एग्ज़ाम में, बस ये मान के चलिए। बाकी उधर छोड़ दीजिए, उधर सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो कहीं ना कहीं वो अपना रिस्क लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि अभी इस सिचुएशन में यदि हम एग्ज़ाम ले लें, 7-8 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम देगा, कैंडिडेट देने वाले हैं, और पता चला कि पेपर में कुछ त्रुटियाँ मिल गई, तो सोचिए क्या होगा स्थिति, समझ सकते हैं अपने। ठीक भैया, तो अपने कुर्सी से कोई नहीं खेलना चाहता है, ठीक है। आप भी जब बड़े पद पर चल जाइएगा ना, तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा। तो हेमंत सोरेन को जी को पूरा अच्छे से बात पता है इस चीज़ को, ठीक है। बाकी तो वो चाहेगा तो भाई, वो चाहेगा तो 15-20 दिन के अंदर चाहेगा तो एग्ज़ाम ले लेगा ऐसा, ठीक है। मुख्यमंत्री भाई, कोई आम आदमी थोड़ी है, मतलब राज्य का मुख्यमंत्री है, जो चाहेगा अभी चाह लेगा ना कि एक महीने के अंदर एग्ज़ाम देवाना है, और 15 दिन के एक महीने एग्जाम होने के बाद 15 दिन के बाद एडमिट का सॉरी आंसर की, और 15 दिन के बाद आंसर तो जारी कर सकता है, मतलब 2 महीने में पूरा चीज़ करवा सकता है आपको, सच बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझिए इस बात को, थोड़ा नेगेटिव मत होया कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखते हैं कमेंट वगैरह करते हैं कि ऐसे ऐसे हल्ला हो रहा है, पता नहीं क्या होगा, बेकार तैयारी की है, ऐसे ये सब चीज़ क्यों पड़ रहे चक्कर में यार, ये सब बोलने दीजिए, जो बोल रहा बोलने दीजिए उसको, सिलेक्शन होता है, ठीक है। सिलेक्शन सबका होता है, जो मेहनत करता है उसका सबका होता है, जो इस बात में पढ़ रहा था ना उसी का सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एग्जाम डेट आप लोग 16 दिसंबर को है, आप रूटीन बना लीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, और जितना भी वीडियो बना रहे हैं आपको जैसे सीजीएल के नाम से जरूर देखिएगा, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है, मिल सकता है, डेफिनेटली मिलेगा, और आपको एग्जाम के टाइम में प्रूफ भी कर देंगे हमको, ठीक है। इसलिए तैयारी जारी रखें, इधर उधर ना बातों पड़े हुए, ठीक है। चलिए टेस्ट भी लगाते रहिएगा, और देखते हैं हिंदी का हम कोशिश करते हैं, तो एक बार उसको देखते हैं पूरा सिलेबस बढ़िया से, और उसका शॉर्ट के माध्यम से कम से 4-5 पेज 5-6 पेज में जितना बन जाए। बाकी देखिए क्वेश्चन कितना देगा, 60 क्वेश्चन देगा आपको, उसमें से 30 क्वेश्चन तो आपको ध्यान से रहेगा पैसेज, तो पैसेज में 30 में से नए भी कितनों भी एकदम कमज़ोर है ना दोस्तों, तो मान लें 30 में से आराम से 20 बना के आइएगा, ठीक है, आराम से एकदम। बाकी ग्रामर का 30 क्वेश्चन है जो, उसमें से 30 में से देखिएगा आपको बना के दे देंगे, हैंड में लिखें रिटर्न में दे देंगे, ताकि आराम से 30 में से 15-20 आराम से कर जाइएगा। तो 30 में से 20 उधर हो गया, और 15 इधर, 35-36 इधर ही हो गया भाई। इंग्लिश में तो 60 में 10 क्वेश्चन भी नहीं बनाइएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप लोग समझिए इस बात को, टेंशन नहीं लेना, ठीक। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो इकोनॉमिक्स में दिए हैं आपको PDF, वो जरूर देख, मतलब जो क्लास दिए हैं वो जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी काम का PDF है, इकोनॉमिक्स का पूरा निचोड़ निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पसंद भी आ रहा है, कमेंट पर्सनली भी किया है कि बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक्स में डर था अब डर खत्म हो गया, अब जाकर देखिए पूरा अच्छा से करवाया गया वहाँ पर।